वीडियो एडिटिंग में अपने वीडियोज को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए कभी कभी स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट का उपयोग करते हैं। तो प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई करने के बारे में। इसमें पहले हम बिल्कुल बेसिक स्प्लिट स्क्रीन के बारे में जानेंगे, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स स्प्लिट स्क्रीन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे टाइमलाइन में मैंने 3 अलग अलग क्लिप ले रखी है। अब हम ये जो फर्स्ट क्लिप है इसके ऊपर इस सेकंड क्लिप को सेकंड ट्रैक में रख देते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम इफेक्ट्स मेन्यू से क्रॉप इफेक्ट को अप्लाई करते हैं इस पर। तो यहाँ पे हम क्रॉप सर्च करेंगे और यहाँ पे जो क्रॉप फिल्टर है इसको हम ड्रैग करके इस सेकेंड फुटेज पे ड्रॉप कर देंगे। अब इफेक्ट कंट्रोल के अंदर हम ये जो क्रॉप है यहाँ पे इससे संबंधित ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। हम लेफ्ट से, टॉप से, राइट से या बॉटम से इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लेफ्ट से 35% क्रॉप कर देते हैं और राइट से इसको 10% क्रॉप करते हैं और इसकी जो पोजीशन है इसको भी हम यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करके इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब जो फर्स्ट क्लिप है इस पर भी हम क्रॉप इफेक्ट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है इसको हम थोड़ा इस प्रकार से मूव करते हैं और इसको भी हम क्रॉप कर देते हैं। लेफ्ट से और 15% राइट से। तो इस प्रकार से ये स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई हो गया। हम चाहे तो बीच में बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से हम एक एरिया ड्रा करते हैं। इसके बाद में हम मूव टूल से इसको इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। एसेंशियल ग्राफिक्स में आप इसका कलर सेट कर सकते हैं या स्ट्रोक भी सेट कर सकते हैं। अब हम इसको ड्रैग करके इस प्रकार से पूरी क्लिप पे अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये स्प्लिट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब हम ये जो ग्राफिक लेयर है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और ये जो थर्ड वीडियो क्लिप है इसको भी हम यहाँ पे ट्रैक में डाल देते हैं। अब ये जो थर्ड वीडियो क्लिप है इस पे भी हम क्रॉप इफेक्ट अप्लाई करते हैं और इसको सेलेक्ट करके इससे संबंधित इफेक्ट्स में हम सबसे पहले तो इसकी रीपोजिशनिंग करते हैं। इसका स्केल थोड़ा कम करते हैं और इसको हम थोड़ा ऊपर से क्रॉप कर लेते हैं। और इस पे भी हम ग्राफिक लेयर को सिलेक्ट करते हैं और रेक्टेंगुलर टूल की सहायता से यहाँ पे भी हम एक बॉर्डर बना देते हैं।
अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस प्रकार से ये मल्टीपल स्क्रीन एक साथ दिखाई देने लग जाती है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे हमने टाइमलाइन में 3 डिफरेंट वीडियो फुटेज ले रखी है। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से स्टैक में लगा देते हैं, और ये जो फर्स्ट क्लिप है इस पे हम इफेक्ट्स मेन्यू से सर्च करते हैं रेडियल। रेडियल वाइप का जो ट्रांजिशन इफेक्ट है इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 2 बार अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में ये जो रेडियल वाइप की वैल्यू है यहाँ पे हम 50% पे सेट कर देते हैं, और इसका जो एंगल है इसको हम 48% पे सेलेक्ट कर देते हैं। अब हम इसकी पोजीशन को इस प्रकार से सेट करते हैं कि इसका 2/3 एरिया कवर हो जाए। सेकंड जो रेडियल वाइप की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे 50 रखते हैं, और स्टार्ट एंगल 48 का अपोजिट रखते हैं जो कि होता है -132। तो इस प्रकार से ये शो होने लगता है। अब हम इसकी जो वैल्यू है इसको भी हम इस प्रकार से इंक्रीज कर देते हैं ताकि 2/3 एरिया इसका इस प्रकार से कवर हो जाए। अब हम इसके अंडर में जो सेकंड क्लिप है इसको हम रिपोजिशन करते हैं इस प्रकार से, और इसको हम थोड़ा स्केल भी कर लेते हैं। और ये जो थर्ड ट्रैक है इसको भी हम इस प्रकार से रीपोजिशन करते हैं, रीस्केल कर लेते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस प्रकार से ये स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। अब हम इस पे बॉर्डर भी बना लेते हैं। तो बॉर्डर के लिए हम रेक्टेंगल टूल तो सिलेक्ट कर सकते नहीं क्योंकि ये जो लाइन है ये सीधी नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से लाइन बनाते हैं। अब मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से हम पेन टूल की सहायता से लाइन बनाते हैं। मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको ड्रैग करके इस प्रकार से क्लिप के बराबर कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो में स्प्लिट इफेक्ट का प्रयोग करके प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं या वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।